नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है गुरुवार और आज है नवरात्रि का छठा दिन। आज माता कात्यायनी की होती है पूजा। जो भी दिन नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी स्वरूप की पूजा करता है, माता कात्यायनी का मंत्र सुनता है, बोलता है, ओम नमो कात्यायनी नमः, ज्यादा नहीं तो दोस्तों 6 बार जरूर आप इस मंत्र को बोलें। आज के दिन 6 गुलाब के पुष्प इस मंत्र को बोलते हुए यदि आप माता रानी को अर्पित करते हैं तो आपके जन्मों की इच्छा पूरी होती है। और ये छोटा सा उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आज के दिन आप जरूर करें, आपकी कोई भी इच्छा होगी बहुत जल्दी पूरी होगी। जानकारी अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। तो आज के दिन आपको गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है 7। कितनी? 7 पंखुड़ियां गुलाब की आपको लेनी है। गुलाब का पुष्प नहीं लेना है, गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियां लेनी है, ठीक है? 7 पंखुड़ियां गिन करके आप ले लें। 7 पंखुड़ियों पर आप थोड़ा थोड़ा सा कुमकुम लगाएं और उसे एक प्लेट पर रख दें। उसके बाद में दोस्तों आपको 3 पत्ते लेने हैं तुलसी के। तीनों ही पत्ते पर आप हल्दी लगा दें। जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं दोस्तों, ये माता कात्यायनी को अर्पित होती है। आज गुरुवार का दिन है तो तुलसी के पत्ते भगवान नारायण को अर्पित होती है, तो इससे माता कात्यायनी भी आपके ऊपर प्रसन्न होती है, दूसरा भगवान नारायण भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको 1 हरी इलायची लेनी है। उस इलायची को आपको घी में डुबो लेना है। इलायची लक्ष्मी प्रदान है। इलायची का आप जब भी भगवान को भोग लगाते हैं, माता रानी को भोग लगाते हैं, तो आपके घर में धन की वर्षा होती है। घी आपके घर में ऐश्वर्य लाता है, तो आपको इलायची को घी में डुबो करके प्लेट में रख लेना है। तीनों ही चीजें आप प्लेट में रख लें और जहां पर भी आप पूजा करते हैं अपने पूजा स्थान में तीनों ही चीजों को रख लें। घी का दिया लगा दें, अगरबत्ती लगा दें, यदि घी ना हो तो आप तेल से भी दिया आप जला सकते हैं, जरूरी कि आप घी का ही दिया जलाएं, लेकिन हाँ इलायची को आपको घी में जरूर डुबोना है। उसके बाद में आप पूजा स्थान में बैठ जाएं, 6 बार आपको बोलना है ओम नमो कात्यायनीये नमो नमः। 6 बार इसको बोलने से पहले 1 बार आपको बोलना है ओम श्री गुरुवे नमः। उसके बाद 6 बार ओम नमो कात्यायनीये नमः। जब आप ये बोल रहे हैं, हर मंत्र में आपकी अनामिका उंगली पंखुड़ियों के ऊपर 1-1 बार जरूर रख दें, ठीक है? उसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को 3-3 बार तीनों तुलसी के पत्तों पर आपको अपनी उंगली रख करके बोल देना है। जब आप तुलसी के पत्ते पर उंगली रख रहे हैं, आप अपनी तर्जनी उंगली का यूज करें जो गुरु की उंगली है। उसके बाद में दोस्तों जो आपने इलायची ले रखी है, इलायची के ऊपर आप अपनी उंगली रखें और अपने विश बोले, जो भी आपकी विश है उस विश को बोले और ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र को बोल दें 6 बार। इतना करने के बाद दोस्तों आप उस तमाम चीजों को इकट्ठा कर लें और थोड़ा सा कपूर आप पूजा स्थान में जलाएं। कपूर जला करके इन तमाम चीजों को आप उसमें डाल दें और इसके धूप आज के दिन आप माता रानी को दे दें। दोस्तों ये 3 चीज आज के दिन पूजा स्थान में जलाने से आपके तमाम जो ग्रह दोष बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाते हैं। कई जो दुष्ट ग्रह हैं आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसी जो छोटी मोटी बाधाएं, घर में यदि कोई छोटे मोटे टोने टोटके हैं तो वो भी दूर होंगे। छोटी मोटी ग्रह बाधा में भी आपको अच्छी खासी इसमें राहत मिलती है और माता रानी के आपके ऊपर जबरदस्त कृपा उतरती है। आज के दिन गुलाब की पंखुड़ियां माता रानी को अर्पित करना, गुलाब की पंखुड़ियों को माता रानी के आगे अग्नि में स्वाहा कर देना, माता रानी को प्रसन्न करने का
इससे और आसान उपाय कोई नहीं है। जब ये अग्नि जल रही हो तब उसमें थोड़े से दो चार बूंदे घी की भी आप डाल सकते हैं। अग्नि जितनी अच्छी जलती है उतना बढ़िया रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। करके देखिए इस उपाय को, क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कॉन्टेक्ट ना करें। उपाय को करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।